सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएम के बारे में, जो सीधा सीधा रिलेट करता है आपकी यूट्यूब अर्निंग से। जितना ज्यादा आपका आरपीएम होगा उतनी ज्यादा आपकी यूट्यूब की अर्निंग होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएम होता क्या है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और कैसे आप अपने चैनल का आरपीएम बढ़ा सकते हैं ताकि आप यूट्यूब से ज्यादा पैसा कमा पाएं। सो गाइस आई एम विकास एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक कोड। सबसे पहले बात करते हैं कि आरपीएम होता क्या है। यार आपने सुना होगा आरपीएम हार्ड डिस्क वगैरह में कि राउंड पर मिनट इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन यार ये यूट्यूब में आरपीएम क्या होता है? इसकी एक सिंपल सी फुल फॉर्म है, इसको समझना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिवेन्यू पर मिली, मिली का मतलब होता है थाउजेंड। अब मिली मुझे नहीं पता यार कौन सी लैंग्वेज में है, लेकिन इसका मतलब जो निकल के आता है वो आता है थाउजेंड। और इसकी सिंपल सी एक फुल फॉर्म निकल के आती है आरपीएम की, रिवेन्यू पर थाउजेंड व्यूज़, यानी कि आपके यूट्यूब चैनल पर एक हज़ार व्यूज़ का आपको कितना पैसा मिल रहा है। आप सिंपली जाके अपने एनालिटिक्स में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके चैनल का आरपीएम कितना है। किसी का एक डॉलर हो सकता है, किसी का पचास सेंट्स हो सकता है, इस तरीके से अलग अलग जो है वहाँ पर आपके आरपीएम होते हैं। हालांकि अलग अलग वीडियो के भी अलग अलग आरपीएम होते हैं आपके चैनल पर। अब बात करते हैं कि ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत एक मिथ फैला हुआ है कि ये चैनल कैटेगरी पर डिपेंड करता है। अगर आप टेक चैनल बनाने गए तो आपको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिल जाएगा, और अगर आप कॉमेडी तरीके की वीडियोज़ बनाते हैं तो भाई आपको आरपीएम कम मिलेगा। हालांकि ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरे तरीके से ये चीज़ सच नहीं है। आप मेरे चैनल कैटेगरी, मेरा एक टैग चैनल है, आप अलग अलग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं अलग अलग वीडियो के, जिनमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है आरपीएम में मेरी वीडियोज़ के। तो ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है फिर, अगर चैनल कैटेगरी पर नहीं करता? ये डिपेंड करता है आपकी वीडियो पर, पर्टिकुलर वीडियो के कीवर्ड्स पर। आपका कीवर्ड्स क्या है, आपका किस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई है, ये सिंपली उस चीज़ पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपका टैग चैनल है तो यार बस आप मतलब आप वीडियो डालोगे और आपका जो आरपीएम है वो मतलब छप्पर फाड़ के एकदम आपको पैसे वैसे बरसा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको वीडियो पर फोकस करना पड़ता है। अब बात करते हैं, हमें ये तो समझ आ गया आरपीएम होता क्या है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आप इसको अपने चैनल पर बढ़ाएंगे किस तरीके से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर कोई अपने चैनल पर यूट्यूब से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। सो सपोज आपका किसी भी चैनल कैटेगरी पर आपका चैनल है, ये डिपेंड नहीं करता, एक्सेप्ट आपको कॉमेडी चैनल्स को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअली कुछ इस तरीके की वीडियो शायद नहीं बना पाएंगे। सो आप कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने गूगल कीवर्ड पर कुछ एक कीवर्ड डाला इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन कीवर्ड्स पर कितनी ज़्यादा बिड लगाते हैं लोग, कितना ज़्यादा हाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन कीवर्ड पर अपने ऐड दिखाने के लिए। देखो सिंपल सा लॉजिक है, आप एक वीडियो बनाते हैं, कोई भी वीडियो हो, आपकी कॉमेडी वीडियो है, वहाँ पर एक एडवर्टाइज़र आता है कि मैं इस वीडियो पर अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। सबको पता है कि कॉमेडी वीडियो जस्ट लोग एंटरटेनमेंट के देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप उनका कुछ इन्फ्लुएंस होकर, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी से जो है आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो इस तरीके के हाई जो कीवर्ड्स होते हैं वो उन वीडियोस पर नहीं चलते। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स जो हैं यहाँ पर ढूंढने हैं। मैं आपको कुछ सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गया, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आप वीडियोस बना सकते हैं। इन यहाँ पर सीधा सीधा कंपनीज को फ़ायदा होता है, अगर आपकी वीडियो देखकर वहाँ पर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी पर्टिकुलर कोई, सपोज आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई, वहाँ पर एक ऐड आ गया ओक्टा एफएक्स का, तो अगर किसी ने भी ओक्टा एफएक्स को डाउनलोड किया और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, तो जो कंपनी है उसको सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है। तो आप अगर इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं जहाँ पर सीधा सीधा कंपनी को पैसों का फ़ायदा होता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा आरपीएम मिलने के चांसेस रहते हैं, बल्कि चांसेस क्या 99% आपका आरपीएम वहाँ पर हाई रहता है। मैंने एक हनीगेन के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसका आरपीएम लगभग एक डॉलर के आसपास रहता है, बाकी वीडियोस का जो है मेरा डाउन रहता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई हनीगेन को यूज़ करेगा वहाँ से निकाल के, वहाँ से मेरे डाउनलोड कर लेता है कोई, तो क्या होगा, हनीगेन को सीधा सीधा पैसों का फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो अर्निंग रिलेटेड वीडियोज़ भी आप बना सकते हैं। अब आप कहेंगे यार हमारा तो चैनल कैटेगरी ही ऐसी नहीं है, मैं तो एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, मैं तो ब्लॉग बनाता हूँ, मैं तो ये बनाता हूँ।
तो भाई आप 4-5 वीडियो की सीरीज बना सकते हैं। अगर आप एजुकेशनल चैनल है आपका, आप एजुकेशन देते हैं लोगों को किसी भी टॉपिक पर, हो सकता है वो सरकारी नौकरी हो सकता है या फिर कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ाते हैं, लेकिन 4-5 वीडियो की सीरीज आप बड़े प्यार से बना सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। आज के समय में यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है इन्वेस्टमेंट करने में, क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, किस तरीके से काम करती है। तो आप सिंपली ये वीडियो भी बना सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, भारत में लीगल है नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बता सकते हैं, भले ही आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करा रहे हो, आप बता सकते हैं कि आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या स्कोप है, आप कहां से पढ़ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग है क्या। यूट्यूब को कोई मतलब नहीं है कि आपने वीडियो में किस तरीके से एक्सप्लेन किया है या क्या क्या चीज़ें बताई हैं, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड डाल दिया टाइटल में, टैग्स में, तो वहाँ पर जो हाई कीवर्ड वाले आपके ऐड हैं वो आपकी वीडियो पर आने शुरू हो जाएंगे। तो आप सिंपली 2-4-5 वीडियोज़ की सीरीज डाल सकते हैं कुछ टाइम पीरियड्स के बाद। आपका व्लॉग चैनल हो सकता है, आपका कुकिंग चैनल हो सकता है, आपका कोई भी चैनल हो सकता है, आप अपनी ऑडियंस को 2-4 वीडियोज़ तो ऐसी दे सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हो, यूट्यूब के ऊपर हो, गूगल एड्स के ऊपर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद करते हैं, अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो आप गूगल एड्स को खुद पढ़ा होगा आपने, तो जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं आप गूगल एड्स के बारे में बता सकते हैं। गूगल एड्स की वीडियोज़ पर CP जो आपका RPM है वो ज़्यादा होता है। तो ये पूरा फंडा है जिस पर RPM आपका काम करता है। तो अगर आप भी अपना RPM बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी चैनल कैटेगरी को ये मत सोचो कि मुझे टेक में ही अपना जो है चैनल बनाना पड़ेगा। आपका जिस भी कैटेगरी में चैनल है, लेकिन 2-2, 4-4 वीडियोस एक महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इन टॉपिक्स पर डालना शुरू करें जिनके कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर डाल सकते हैं, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट हो गई, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हो गई, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, गूगल एड्स हो गए, या फिर कुछ अर्निंग रिलेटेड वीडियोस या अर्निंग रिलेटेड ऐप्स के बारे में, जेन्युइन ऐप्स के बारे में आप बता सकते हैं, जिससे कि आपके चैनल का RPM ओवरऑल बढ़ जाएगा क्योंकि उन पर्टिकुलर वीडियोज़ पर आपका RPM ज़्यादा आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार ये जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हैं उन पर 1000 व्यूज़ के 6-6, 7-7 डॉलर भी मिलते हैं, जो आप किसी भी कैटेगरी में डाल लो, इतना बड़ा RPM आपको इंडिया में नहीं मिल सकता। तो यही पूरा फंडा था। अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपने चैनल का RPM तो इन टॉपिक्स पर वीडियोज डालना शुरू करो। सो आई होप कि आपको टॉपिक समझ हो गया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक मारो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हैं तो क्या कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।